हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023 के बारे में। और यहाँ करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो आप लोगों को यहाँ जानकारी का ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अमेरिकी यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023 के बारे में। अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप के अंतर्गत खेला जाने वाला साल का अंतिम चैंपियनशिप है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अमेरिकी यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप जो होता है वह ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप के अंतर्गत खेला जाता है, और यह साल का अंतिम चैंपियनशिप होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, उसके बाद में होता है यूएस ओपन। तो इस प्रकार का ये जो है लास्ट है, सबसे यानी कि साल का सबसे लास्ट टेनिस चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि संस्करण कितना है। तो यह संस्करण था 143वां, यानी कि 143 संस्करण था, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है यानी कि अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप का, वह 1881 यानी कि 1881 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, तब से खेला जा रहा है। तो कहाँ खेला गया यह जो है 2023 वाला, तो यह खेला गया न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको किस कोर्ट पर खेला गया, तो इसको हार्ड कोर्ट पर खेला गया। तो यहाँ पर जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप को, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हार्ड कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन्स सिंगल्स में। तो यहाँ पर किस प्रकार खेल होते हैं, तो पहले तो मेन्स सिंगल्स, फिर वोमेन्स सिंगल्स, फिर यहाँ पर मेन्स डबल, फिर ओमेंस डबल, उसके बाद होता है एक मिक्स डबल। तो इस प्रकार के टोटल 5 प्रकार के यहाँ पे जो है खेल होते हैं, तो ये आप लोग जानते ही होंगे या तो फिर ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग मेन सिंगल की बात करते हैं, यानी कि पुरुष एकल में क्या क्या हुआ, कौन विजेता बने। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो विनर बने हुआ है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आप लोग इसको याद करेंगे क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सिंगल्स और ओमेंस सिंगल्स यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेन सिंगल के जो विजेता बने हैं, विनर जो बने हुआ है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रनर अप यानी कि उपविजेता कौन बने, तो यह डेनिल मेदवेदेव को, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, तो इन्हीं को हरा करके ये मेन सिंगल के विनर बने हैं नोवाक जोकोविच। तो रनर अप बने हैं डेनिल मेदवेदेव, रूस के खिलाड़ी हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं मेन्स डबल्स की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेन्स डबल यानी पुरुष युगल में कौन विजेता बने हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो विनर बने हैं वह बना है राजीव राम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका खिलाड़ी हैं, और इनके साथ में जो है पार्टनर जो थे वो जो सेल्सबरी हैं, वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों की जोड़ी जो है, उन्होंने रनर अप जो रहे रोहन बोपन्ना इंडिया के और मैथ्यू एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इन्हीं की जोड़ी को हरा करके ये लोग मेन सिंह डबल के विनर बने हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो विनर बने हुआ है राजीव राम यूनाइटेड स्टेट्स के, जो सेल्सबरी उनके पार्टनर हैं, और इन्होंने भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी को हरा करके ये मेंस डबल का खिताब को जीत लिया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ओमेंस सिंगल्स की, यानी कि महिला एकल के विजेता और उपविजेता के बारे में। तो ये भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो है विनर बने हुए हैं कोको गोफ, ये हैं कोको गोफ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किनको हराया, तो इन्होंने हराया है रनर अप जो रही आर्याना साबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो आर्याना साबलेंका को कोको गोफ ने हरा करके वोमेन सिंगल्स का खिताब को अपने नाम कर लिया। तो ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विनर जो बनी है वह कोको गोफ है महिला एकल में, और रनर अप जो रही है वह आर्याना साबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वोमेन्स डबल की। तो वोमेन्स डबल में कौन विजेता बने हैं, तो विनर जो है वह हैं गैब्रियल डब्रोवास्की, कनाडा के खिलाड़ी हैं, और उनके जो पार्टनर हैं जो जोड़ीदार रहे वो एरिन राउटलिप, ये भी कनाडा खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों कनाडा के हैं, और इन्होंने किनकी जोड़ी को हराया, तो इन्होंने जो है रनर अप रही लोरा सिगमंड जर्मनी और वेरा बोनारेवा रसिया, तो इन दोनों की जो जोड़ी है इनको इन्होंने हराया और ओमेंस डबल का खिताब को जीत लिया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि ओमेंस डबल का जो खिताब है वह गैब्रियल डब्रोवास्की कनाडा और एरिन राउटलिप कनाडा, इन दोनों विजेता रही हैं, लोरा सिगमंड जर्मनी की खिलाड़ी और वेरा
वोनारेवा और रसिया के खिलाड़ी की जोड़ी को हराया, तो ये दोनों रनर अप रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं मिक्स डबल में, तो मिक्स डबल में होता क्या है, तो मिक्स डबल में एक होता है मेन और एक होता है ओमेन, तो इस प्रकार की जोड़ी जो होता है यहाँ पर खेले जाते हैं, तो एक साइड से मेन्स और ओमेन्स और दूसरे साइड से भी मेन्स और ओमेन खेले जाते हैं। तो विनर जो है यहाँ पर कौन है, एना डाविलिना रसिया के खिलाड़ी हैं और हैरी हेलियोवारा ये फिनलैंड, तो इन दोनों की जोड़ी जो है इन्होंने मिक्स डबल का खिताब को अपने नाम कर लिया है, एना डाविलिना रसिया के खिलाड़ी और हैरी हेलियोवारा फिनलैंड की खिलाड़ी, इन दोनों की जोड़ी जीत ली है मिक्स डबल। तो इन्होंने किनको हराया, तो रनर अप रही जो टीम वह है जेसिका पेगुला यूनाइटेड स्टेट्स की, ऑस्टिन क्राजिसेव यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इन दोनों की जो है जोड़ी को इन्होंने हराया है और मिक्स डबल का खिताब जीत लिया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे जी, जेसिका पेगुला और ऑस्टिन क्राजिसेव ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रनर अप रहा है, लेकिन विनर जो बने हैं वह है एना डाविलिना रसिया और हैरी हेलियोवारा फिनलैंड के खिलाड़ी, इनकी जोड़ी जो है वो मिक्स डबल का खिताब को अपने नाम कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़े से नोट्स में कि नोवाक जोकोविच ने पुरुषों के टेनिस इतिहास में सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुरुषों के टेनिस के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा अगर ग्रैंड स्लैम जीते हैं तो वह कौन जीते हैं, तो वह जीते हैं नोवाक जोकोविच, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने इतिहास ही रच दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा 24 बार यानी कि 24 बार यह खिताब को अपने नाम कर लिए हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे जो है सारी चीज़ें बता दी हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग ध्यान रखना कि ओमेन सिंगल में विजेता कौन रही है, तो वह कोको को यूएस के हैं और रनर अप रही हैं आरियाना साबलिंका बेलारूस की, ये आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा में अगर बात करें तो यहाँ पे मेन सिंगल्स में यानी कि पुरुष एकल में विनर जो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी, इन्होंने हराया डेनिल मेदवेदेव रशिया के खिलाड़ी को, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी जानकारी को आप लोगों को ध्यान रखेंगे जो है अमेरिकी यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2023 के बारे में, और यह साल का जो है अंतिम चैंपियनशिप होता है ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।